वेज नूडल्स बनाने के लिए हमें चाहिए 400 ग्राम नूडल्स, 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 2 मीडियम साइज़ के गाजर, 1 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च, 100 ग्राम हरे प्याज के पत्ते, 100 ग्राम पत्ता गोभी, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 2 चम्मच टमाटो सॉस, 1 चम्मच विनेगर, 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस, 2 चम्मच सोया सॉस, 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल और नमक स्वाद अनुसार। सबसे पहले हम पतीला लेंगे, उसमें पानी रखेंगे, गैस ऑन करेंगे, पानी को गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद इसमें हम नूडल्स डालेंगे। नूडल्स डालने के बाद अब इसमें हम 1 चम्मच नमक डालेंगे। अब इसके बाद इसमें हम 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे जिससे कि नूडल्स आपस में चिपके ना। अब इसको हम 10 मिनट के लिए पकाएंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे नूडल्स बॉईल हो चुके हैं, गैस बंद कर देंगे। अब इसको हम एक छलनी में छान लेंगे। अब इसके बाद इसमें हम ठंडा पानी मिक्स करेंगे, इसको अच्छे से चला लेंगे, फिर इनको हम साइड से रख देंगे। अब इसके बाद हम एक पैन लेंगे, गैस ऑन करेंगे, अब इसमें हम 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। ऑयल को गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद इसमें हम कटे हुए प्याज डालेंगे। प्याज को अच्छे से चला लेंगे। अब इसके बाद हम शिमला मिर्च डालेंगे, गाजर डालेंगे। इन सब सब्जियों को मैंने लंबे लंबे आकार में काट लिया है। अब हम पत्ता गोभी डालेंगे, इन सबको अच्छे से चला लेंगे। अब इसके बाद हम नूडल्स डालेंगे। डालने के बाद अब इसमें हम 2 चम्मच सोया सॉस डालेंगे। एक चम्मच विनेगर डालेंगे, 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस डालेंगे। यदि आपको ज्यादा तीखा चाहिए तो आप 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। 2 चम्मच टमाटो सॉस डालेंगे। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे। अब इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 चम्मचों का यूज किया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद इसमें कटे हुए स्प्रिंग अनियन डालेंगे, फिर से इनको अच्छे से मिलाएंगे। और हमारे वेज नूडल्स बनके तैयार हो चुके हैं। इनको सर्व करने के लिए एक बाउल में निकालेंगे।